हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सोने चांदी की ज्वेलरी को कैसे क्लीन करें। ये देखिए, मैंने कुछ चांदी की ज्वेलरी ली है जो पुरानी है और गंदी है, शाइनिंग लग रहा है इसका चला ही गया है। और सोने की ये है कुछ, इसकी भी शाइनिंग जा चुकी है, कितनी गंदी हो चुकी है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जिससे आप इसको चमकदार नए जैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, हम जब सुनार को देते हैं साफ़ करने के लिए तो वो केमिकल में साफ़ करता है, जिससे चांदी सोने का कुछ हिस्सा कट के केमिकल में चला जाता है। तो इसे हम घर पे क्लीन करेंगे तो वो जैसा का तैसा रहेगा और कोई भी पार्ट नहीं कटेगा और हमारी ज्वेलरी जो है चमकने लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सोने की ज्वेलरी साफ़ करना बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टफ्स कितना गंदा हो चुका है, जैसे लग रहा है शाइनिंग बिल्कुल चला गया है, लेकिन मैं इसे अभी क्लीन करूँगी तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। ये देखिए, मेरा रिंग भी कितना गंदा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम बिल्कुल चमकदार नए जैसा बना लेते हैं। मैंने पतीले को चढ़ा दिया गैस पे, अब इसमें डालूंगी आधा कप पानी। फ्रेंड, पानी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। कपड़ा धोने के लिए जो भी पाउडर आप यूज करते हैं उसको इसमें यूज कर सकते हैं। एक चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से जो सोने की ज्वेलरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमक जाती है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। अब इसमें मैं डालूँगी इन गंदी अंगूठियों को, जितनी भी सोने की चीज़ें मैंने ली है सबको डाल दिया इसमें, और लगभग एक मिनट तक मैं इसे इसी में रहने दूँगी। फ्रेंड्स, एक मिनट हो गया है, अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। इसमें ज्वेलरी को इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे ब्रश से धीरे धीरे क्लीन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, इसमें लगभग मैंने 5 मिनट तक छोड़ा था। देखिए कितना चमकने लगा है। इसमें थोड़ा सा और शाइनिंग लाने के लिए ये जो ख़राब टूथब्रश है मेरे पास, इसे से मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से ऐसे कर दूँगी, देखिए, जिससे और ज़्यादा शाइनिंग करने लगेगा। आप घर पे ही किचन से ही सारी चीज़ें लेकर अपनी ज्वेलरी को चमका सकते हैं, आपको किसी सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, घर पे ही आपकी ज्वेलरी जो है बिल्कुल चमक जाएगी। अंगूठी के अंदर के साइड ब्रश से ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, देखिए कितना चमकने लगा, ये बिल्कुल काली सी पड़ी हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अंगूठी कितनी चमकने लगी, अंदर साइड से भी ये शाइनिंग करने लगा, बस ब्रश से हल्का हल्का ऐसे कर देना है क्लीन। ये देखिए, लग रही है कि पुरानी ज्वेलरी है, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से मैं सभी अंगूठी को क्लीन कर लूँगी, बस बहुत हल्का हल्का करना है, ये बहुत अच्छे से चमक जाता है। हल्दी के पानी में जाते ही ये बिल्कुल निखर जाता है। ये देखिए, अब मैं इसे डाल दूंगी ठंडे पानी में, इसको मैंने रगड़ लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे साफ पानी में क्लीन कर लिया है, देखिए कितना चमक रहा है आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए अंगूठी कितनी शाइनिंग कर रही है। आप घर पे अपनी ज्वेलरी चमका सकते हैं, सुनार के पास तो जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, आप ट्राई करें, आपकी भी ज्वेलरी बिल्कुल चमक जाएगी घर पर ही। ये देखिए मेरे टफ्स कितने अच्छे चमक रहे हैं। इसी तरीके से चांदी की ज्वेलरी साफ़ कर लेंगे, तो चलिए मैं उसको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं साफ़ करने वाली हूँ चांदी की ज्वेलरी। ये देखिए मेरी पायल कितनी गंदी है, ये मीना का तो जैसे लग रहा है शाइनिंग ही चला गया है, लेकिन मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ आलू से, जिससे ये बिल्कुल चमक जाएगा। तो सबसे पहले आलू को ग्रेट कर लेना है। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, अब एक बर्तन में डालूंगी पानी। जितनी ज्वेलरी हो उसी के हिसाब से पानी गर्म करना है। मेरे थोड़े से दो पायल ही हैं, तो मैंने आधा कप ही पानी डाला है।
पानी में डाल देंगे इस ग्रेट किए हुए आलू को। इसमें कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, आप बॉयल आलू का इस्तेमाल मत करिएगा। आधा चम्मच डालेंगे डिटर्जेंट पाउडर और इसको अच्छे से इसमें मिला देना है। पानी बॉयल हो गया है फ्रेंड्स, अब इसमें डाल देंगे ज्वेलरी को। देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसमें मैंने ज्वेलरी को डाल दिया और लगभग 2-3 मिनट तक इसे इसी में छोड़ देना है ताकि सारी गंदगी निकल जाए। आलू डालने से ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग मारने लगता है। गैस को ऑफ करके 5 मिनट तक इसे पानी में ही छोड़ देना है ज्वेलरी को। फ्रेंड्स ये ठंडा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ क्लीन हुआ कि नहीं। ये देखिए आप खुद देख सकते हैं आलू से कितना चमक चुका है। ये देखिए पहले पायल कितना गंदा दिख रहा था, अभी देखिए ये आलू से चांदी का बर्तन हो या चांदी की ज्वेलरी हो बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारने लगता है। ये देखिए इसे आप अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इसे ब्रश से भी ऐसे कर दीजिए ताकि अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो वो भी निकल जाए, आप बिल्कुल चमचमाती ज्वेलरी आपकी बन जाए। ये देखिए क्लीन हो गया है, इसे साफ पानी में धुल लेना है। मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए मेरे बिछुआ जो थे वो भी देखिए कितने चमक गए हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसे ब्रश से ऐसे कर देती हूँ। साफ पानी में इसे अच्छे से धुल लीजिए। ये देखिए मैंने निकाल लिया इसको। ये देखिए सारे पायल बिछुआ देखिए कितने चमक रहे हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था ये कितने डल से पड़े थे, नग की भी शाइनिंग चली गई थी, अभी आप देख सकते हैं इसकी जो डायमंड लगे हुए हैं वो भी कितनी शाइनिंग मार रहे हैं। देखिए इस तरीके से साफ करिए, घर पर ही आपकी ज्वेलरी बिल्कुल चमक जाएगी। फ्रेंड्स देखिए तांबे का लोटा है ये कितना गंदा है, देखिए इसकी चमक बिल्कुल जा चुकी है, लेकिन मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ, मिनटों में ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने लिया एक छोटा सा नींबू का पीस, देखिए, और साथ में लिया है आधा चम्मच नमक। नींबू को नमक में लगाना है ऐसे, सभी तरफ से अच्छे से नींबू को इसमें रगड़ लीजिए नमक में, और इसको धीरे धीरे लोटे पे आप करते जाइए। अब देखिए आपके सामने देखिए लोटा कितना शाइनिंग करने लगा। आपको बाहर से कोई भी तांबे लाने की ज़रूरत नहीं है, आप किचन की चीज़ों से ही अपने तांबे के बर्तन को बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। मंदिर के जो पूजा के बर्तन होते हैं उसको चमका सकते हैं। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। ये देखिए तांबे का लोटा बिल्कुल चमक चुका है नए जैसा, देखिए आपके सामने। अब मैं इसे साफ पानी से धो लेती हूँ। देखिए मैंने साफ पानी से लोटे को साफ कर लिया। ये देखिए कितना शाइनिंग कर रहा है। आप भी इसी तरीके से तांबे का बर्तन साफ करिए, पूजा का बर्तन, आपका भी बर्तन बिल्कुल चमक जाएगा। फ्रेंड्स अब मैं बताऊँगी लोहे की कढ़ाई कैसे क्लीन करें। बहुत सारे लोग लोहे की कढ़ाई यूज नहीं करते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इसको क्लीन कैसे करेंगे, इसको क्लीन करने बहुत मेहनत लगता है, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ एक ट्रिक्स जिसको यूज करके आप इसको मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो लोहे की कढ़ाई को चढ़ाना है गैस पे, कढ़ाई को 1 मिनट तक गर्म होने देना है। देखिए फ्रेंड्स कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और लिया एक नींबू का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा है, और इसको ऐसे करते हुए इस पर रगड़ते जाएंगे। सावधानी से करिएगा क्योंकि पानी गर्म है, आप चिमटे की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए कढ़ाई कितनी चमकती जा रही है, कोई मेहनत नहीं है, बस सब्जी बनाने के बाद आप कढ़ाई को साफ पानी से धो करके इसे क्लीन कर सकते हैं नींबू से। ये देखिए आपके सामने लोहे की कढ़ाई बिल्कुल चमक गई मिनटों में, कोई मेहनत नहीं है, बस नींबू से रगड़ने के बाद इसे साफ पानी से धो लेना है। ये देखिए है ना मज़ेदार ट्रिक्स।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे साफ पानी से धो लिया है। ये बिल्कुल चमक रहा है। जब भी आप लोहे की कढ़ाई पानी से धुलें तो तुरंत उसे सूखे कपड़े से पोंछ लें, उसमें पानी ना रहे तो आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमकती सी रहेगी। तो आप भी इस तरीके से लोहे की कढ़ाई साफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके की स्मार्ट टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।